વાપીની હરિયા હોસ્પિટલ ખાતે આવેલ ન્યુકેમ રક્તદાન કેન્દ્રમાં એક દાતા તરફથી અદ્યતન સિંગલ પ્લેટલેટ ડોનર મશીનનું દાન કરવામાં આવતા જેનું ઉદઘાટન હોસ્પિટલના તબીબો અને ટ્રસ્ટીઓની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયું હતું। વાપીની હરિયા હોસ્પિટલમાં 30 વર્ષથી કાર્યરત ન્યુકેમ રક્તદાન કેન્દ્રમાં અનુપમ ચૌધરી પરિવાર દ્વારા 25 લાખની કિંમતનું આધુનિક પ્લેટલેટ ડોનર મશીનનું દાન કરવામાં આવ્યું છે। આ મશીન ડેન્ગ્યુ જેવા મચ્છરજન્ય રોગીના દર્દીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ બની જાય છે। મશીનના ઉદઘાટન કાર્યક્રમમાં હોસ્પિટલના ટ્રસ્ટીઓ તેમજ દાતા પરિવાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ये हम लोग के यहाँ ब्लड बैंक जो है लास्ट 30 ईयर्स से चल रहा है, पर इसमें ब्लड जो हम लोग कलेक्ट करते थे उसमें पूरा ब्लड कलेक्ट करना पड़ता था, और अभी जैसा कि आपने सुना होगा कि काफ़ी डेंगू सीजन वगैरह चल रहा है अभी हमारे यहाँ भी अपने डिस्ट्रिक्ट में भी, तो ऐसे में प्लेटलेट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये मशीन जो है ये बॉडी में से जो अपन ब्लड कलेक्ट करते हैं इसमें से केवल प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो उससे जिस अपन नॉर्मल जो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करते हैं डेंगू पेशेंट्स को, तो एक बॉटल प्लेटलेट चढ़ाने में 5000-10000 ऐसा प्लेटलेट बढ़ता है, पर इसमें क्योंकि प्लेटलेट की मात्रा ज़्यादा रहेगी, कंसनट्रेटेड प्लेटलेट रहेगा, तो इसमें एक ही बार ट्रांसफ्यूज करने में चार बॉटल के बराबर इसमें 40,000 तक प्लेटलेट बढ़ने का चांस रहता है, इसलिए बार बार ट्रांसफ्यूजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा एडवांटेज इस मशीन का ये है कि अपने बॉडी में प्लेटलेट जो है एवरी 5 डेज में प्लेटलेट बन जाते हैं, तो आपने अगर इस मशीन के थ्रू प्लेटलेट किसी को डोनेट किया है तो आप 5-7 दिन के बाद वापस भी प्लेटलेट डोनेट कर सकते हो, जो कि पहले अगर अपन जैसे लेते थे तो उसमें 3 महीने के पहले आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते थे, तो ये सब इसका एडवांटेज है। दूसरा इसमें कई जैसे बीमारियां हैं, लिवर की हैं, किडनी की है, पॉइजनिंग है, तो इसमें ब्लड की जो प्यूरिफिकेशन और सफाई होती है वो भी इस मशीन के थ्रू हम कर सकते हैं। और ये मशीन जो है काफ़ी जैसे कई बीमारियों में, कैंसर वगैरह में, किडनी फेलियर वगैरह में उसमें यूज़ होता है। ये मशीन अभी तक पूरे डिस्ट्रिक्ट में केवल एक बलसाड़ में है, बलसाड़ रक्तदान केंद्र है वहाँ है, और दूसरा ये मशीन हम लोगों ने लगाया है। तो इस मशीन से हमारे वापी की जनता को और काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये हमारे चौधरी साहब हैं, इनकी फैमिली है, इनने पूरा ये मशीन डोनेट किया है, पूरा मशीन वगैरह जो है और इसके कंपोनेंट्स वगैरह जो हैं पूरे इम्पोर्टेड हैं, और काफ़ी लेटेस्ट मशीन जो है ये हम लोगों ने यहाँ लगाया है। निगम चौधरी है, मैं 91 से लेकर 2016 तक वापी में रहा, सिलवासा मेरा वर्किंग एरिया था ज्यादातर, और मिसेस चौधरी ये ज्ञानधाम स्कूल में टीचर रही। देखिए डोनेशन के पीछे ज्यादातर हाथ तो मेरे ब्रदर इन लॉ का है, मिस्टर बी के भूटानी का, लेकिन खुशी इसलिए हो रही है कि हमने 25 साल इस वापी से बहुत कुछ पाया, बहुत प्यार पाया, बहुत लोगों के सहानुभूति और सब कुछ पाया, तो हम सोसाइटी को कुछ कर सकें, तो इसके लिए हमारे को बहुत खुशी हो रही है। बहुत साल पहले रिटायर हुए, फिर रिटायर होने के बाद यहाँ से अहमदाबाद रहने गए, उनकी डॉटर वहाँ पे मेडिकल डॉक्टर हैं, और उनके ब्रदर इन लॉ शायद भोपाल में थे, पटना में थे, तो एज अ फैमिली उन्होंने सोचा कि हमको डोनेशन करना है। मिस्टर भूटानी ये इन्होंने मतलब ही रिटायर्ड आफ्टर ए वेरी सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ, तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि कुछ सोसाइटी को पे बैक करना है, तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि लेट अस डू समथिंग एज अ फैमिली, एंड उनका वापी का प्यार इतना था कि ड्यूरिंग दी कोविड टाइम उन्होंने हमको अप्रोच किया कि भाई हमको ऑक्सीजन प्लांट लगाना है और आपको हम डोनेट करना चाहते हैं। तो उस समय हमारे ऑलरेडी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लांट लग गए थे, तो हमने बताया कि भाई ऑक्सीजन प्लांट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर भी उन्होंने कहा कि हमको कुछ वापी में ही करना है, तो आप कुछ दूसरा प्रोजेक्ट हमारे लिए बताइए। तो सिंह साहब ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो ये बहुत ही अच्छा मशीन है, इससे बहुत बेनिफिट होगा पेशेंट्स को,
और ब्लड मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी एडवांटेजेस हैं। तो हमारा धन्यवाद जाता है चौधरी साहब को, मिसेस शशि चौधरी, जो वो भी एक ज्ञानदाम स्कूल में टीचर थी और वो रिटायर होके फिर ये लोग अहमदाबाद चले गए। दिस इज सिंगल प्लेटलेट डोनर मशीन। सो जैसे सिंह साहब ने बताया, ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, अगर खाली प्लेटलेट यूज़ कर रहे हैं तो बाकी के कंपोनेंट पहले वेस्ट हो जाते हैं नॉर्मल प्रोसीजर से। इसमें हम वो ब्लड वापस पेशेंट को दे देते हैं जो निकलता है, खाली प्लेटलेट वापस दे के और वो वापस पेशेंट में चला जाता है। सो दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज। हाँ हाँ।